तुम ए गाइस, ये टोपी वाले उस्ताद चेला हैं, ये बिना टोपी वाले हमें और इन्होंने नाक पे जडैन डाला हुआ है। जडैन ये रब ने पाया, देखो चेक कर। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल टू ऑल। की हाल चाल सारे ना? ऑल गुड, होप तो सारे कैंट होगे, करे होंगे, सेफ होंगे। तो अज अपने को हैगा एक कोलैबोरेशन से शूट हैगा, मतलब ड्रेस का, मॉडल्स का, मतलब वेडिंग ड्रेस का शूट है सर। आप हम जाना आप सैबजीपुर किला च शूट करन, और सैबजीपुर लोकेशन है भाई ने बनाई प्री वेडिंग की, तो उत्थे शूट रखा हुआ, तो उत्थे शूट करन जावांगे। तो मेकअप आर्टिस्ट दिल चंडीगढ़ तो है, तो जल्दी लोकल है भाई जी, तो बाकी उन्होंने किसी गल नहीं हुई। तो वेडिंग वगैरह ड्रेसिस वगैरह भी मतलब लोकल ही होनी है, लोकल किसी वेंडर की होनी है। सो मैं कह रहा जस नू पिक ऑफिस तो जस ने बनाने थे रील्स, तो सून ही आप चलते हैं, तो मिलते हैं स्थिति ही लोकेशन से जाके सीधा थोनों पिक करके सारे समान गिर गया, एक ब्रेक लानी पेगी, चलो कोई गल नहीं। तो रिशा को पिक करते रस्ते जाते हुए दस बैठा जी ऑफिस से, सो पहुँच चुके आप थले, फोन किया हूँ आ रहा है, देखते पे कि चलो नहीं मैं कार्ड भी अच्छ शुक्र है बाई डिफॉल्ट याद आ गया मैंने कि कार्ड चकना, कार्ड भी ऑफिस से पै जाए गल पीछे वीकेंड पीछे प्री वेडिंग करके आया मैं, जो डाटा कॉपी आया मैं गैरी में बता रहा गैरी को लिया गया जी, एडिटिंग सारी गैरी ने करनी होती है, प्री वेडिंग वगैरह जिन्हें मैं एक्सपोजिंग करता मोस्टली 90% गैरी की एडिटिंग करता हूँ फोटो की, तो बेसिकली टेस्ट मिलेगा सा गैरी क्लिक जो भी अभी क्लिक करके ना पहला मतलब कि फील होया हो कि मैं ये चीज़ शूट करनी है। सो एवरीथिंग इज गुड चल रहा है, वैसे अभी मेरा मूड थोड़ा जहा अपसेट है, पता नहीं शूट कैसे होगा, मेरा मन भी नहीं सी शूट करने का, बस आ गई इस तरीके ना। सो चलते हैं जस आ रहा हूँ, आ रहे बड़े बड़ा टाइम लगता है, 10 मिनट हो गए मैं खड़े नहीं हो रहे ऊपर थे तो ना इन्ना टाइम लगता है, चलो आके क्लास लेने। लो जी जस अपने को पहुँच चुके हैं, 10 मिनट हो गए मैं थोड़े कड़े मैं लेट गए वीरे, तुम उपर नहीं चढ़ के आते ना फिर कहते अभी पतले होने तैयार नहीं डर लगे बोलना। तो बट अपना क्लाइंट जिसे जो शूट से मतलब जिन्होंने उन्होंने कॉल आ गई कि मॉडल मीह करके लेट आई है, मैं तो चाहता ही शूट कैंसिल ही हो जाए, बट चलो नहीं होंगे किस्मत नहीं होंगी है, तो चलो कोई गल नहीं, शूट होगा थोड़ा डिले मतलब कि 2 बजे स्टार्ट होगा, देखते हैं कि होता। लो जी फिर कदे असं ऑफिस आके बैठे हुए हैं, कदे असं ऑफिस आके बैठे हुए हैं, फाइनली शूट से जाने का टाइम आ गया क्योंकि थोड़ा डिले हो गया सी रेन करके। अच्छा मीह नहीं बोलना, रेन वही मीह मूह रेन मूह करके, तो अज आप बैठे सीट पर सवाल, वैसे सीट पर बड़ा है टेंशन फ्री होंगे व्लॉग उरे, तो अपने घर ड्राइवरी प्लस रील वाले बंद पहुंचे हुए हैं, चलते हैं रिशा को पिक करते हैं, तो फाइनली शूट स्टार्ट होगा, सैबजीपुर पहुँचते हैं उत्तर जगह शूट करते हैं, तो बंदा बड़ा घेंट है एक सच जो ऑनर है ना वो बंदा घेंट है, बड़ा बड़ा पोएट्री है पोएट कर रहा है, बड़ी घेंट घेंट पोएट्री बोलता वो, जो खूबसूरत मौका मिले तो आप जरूर सुनावे। आज जी शहरी बोली है ना ये तू ही बोल रहा, फिर पटियाले से और कोई नहीं बोल रहा पाकिस्तानी ड्रामे Thank you.
ਹੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੋ ਦੇ ਮੁੰਡੂ ਇਹ ਬੁਆਏ ਨਾ ਨੱਕੀ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਵੀਰੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਜਡੈਨ ਇਹ ਜਡੈਨ ਜਡੈਨ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਇਆ ਜਡੈਨ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੇ पूरे आ गए ना सब तो कैंट गल पता की होंगी कि जिन्नी बड़ी शांति बंदे सब तो एनीमल बहुत ज्यादा प्यार है भाई मंडी भाई में बड़ी शांति जी मिलती है भाई इस दिन चल रस्ते दस शेर शायरी बहुत कैंट करते हैं डीपली थॉट वाली शेर शायरी करते हैं कहते आशकान डीपली थॉट वाली शेर शायरी करते हैं सब तो वो भाई का कमरा बैठ गया ये भाई अपना स्पेशल कमरा पाया ऑल ओवर गुड है मतलब शांति है और देखा घंटे घंटे कुछ रॉयल लोकेशन है कुछ वेस्टर्न बनी है ठीक ठाक वेस्टर्न लोकेशन बनी है ओके ओके घंटा भी ठीक है तू एक है ये टोपी वाले उस्ताद चेला है ये बिना टोपी वाले हमें और इन्होंने नाक पे जडैन डाला हुआ है जडैन ये रब ने पाया है देखो चेक कर चलो वेट कर रहे हैं बोर हो रहे हैं ना वेट कर रहे हैं हेड्स ऑफ है गुरु अभी 3:30 ढाई बजे आए हैं एक मतलब एक 1:30 तो उरे पहुँचे हैं तो हम 3:00 डेढ़ घंटा हो गया सानू वेट कर रहे हैं कोलैबोरेशन की है ता भी मतलब रिस्पैक्ट नहीं है उन्होंने टाइम ली भी नहीं है मतलब कि आर्टिस्ट की रिस्पैक्ट ही नहीं करते समझ नहीं आती मैंने क्या फील लेके काम करते हूँ मेरा जो ही काम हम पहला थोड़ा बहुत मूड सीगा ना वो भी खत्म हो गया काम करने दस सुरीला वाला एक रॉयल पोर्टर कर हले भी पता की करो एक गल सुनो नीचे कैमरा लुक भी देनी है नीचे भी देखना ठीक है आज आ देख लो मूवमेंट की मेरे के पैर दी क्योंकि तो कि तुझे ना ऐ आके खड़ जाए वो चेंज हो जाएगा ठीक है One more time. Smile are proper. Just wait, check कर लेगा. एक shot और देना पड़ेगा. एक राउंड और दे दियो वन टू थ्री स्माइल नाउ ओके कट 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 तू भाई फोटो कैसी आई ठीक ठीक है जी तो डाउन हो करो उरे आए आ देखो बस डाउन करो हाँ बस ठीक है ओके बद्दू यार तू की करे ऑन कर ले मैंने नहीं कुछ किया भाई शेर शेर बहुत सोहनी करते हैं भाई देख कभी शेर शेर तो सुन के जाने ही जाना है हम थोड़ी जवाब नहीं देता हाँ हाँ भाई ये मंदिर भाई इतने ऑनर सारा ये देखते बहुत ही सोहने देता जी है ना एनीमल अलग ही लैवल का प्यार है मतलब कि आप जिन्ना कर सोचते ना करते हैं उस तो अलग लैवल का प्यार करते हैं भाई जी तो हम आप हैंड ओवर करते माइक भाई मैं मतलब उस अपने ब्लॉग के हिसाब में देने कुदरत ने है ना कहता मेरा वक्त नहीं मेरा मौत जद बन्ने सेरा कहता उस वक्त नहीं मेरा मौत जद बन्ने सेरा लाया बंदे जोर बथेरा इंसान उस तरह कहता लाया बंदे जोर बथेरा ना समझ इंसान इत्थे कुछ नहीं तेरा पढ़ दो च दुनिया का हनेरा सैफदीपुर समझ क
कि मेरा मेरा इत्थे एक साह भी नहीं तेरा। ठीक है, नहीं इंसान बराबर सोच के चले बहुत, इंसान का साह भी उदा नहीं होंदा। ते आ जड़ी चीजा ने तो भाई दो दिन च रह जांदियां ने। ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਅਦਰ ਨਦਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਨਦਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਘੰਟਾ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ, ਸੋਰੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਪੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਨ ਪੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਬੜੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਸ਼ੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਿਸ਼ਵ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ, ਬਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਓਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰਿਸ਼ਵ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਵੱਧ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਲਿਟਰਲੀ ਬਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਹੱਬ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ 15 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਖਾਧੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਰੀਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਆਲ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣੀਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਣੀਏ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ।